जगदलपुर शहर में घोषित कंटेनमेंट जोन का साइकिल से बस्तर कलेक्टर और बस्तर एसपी से किया निरीक्षण। गुरुवार की सुबह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि शहर के लोग भी समर्थन दे रहे हैं और जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे रोजाना लाखों रुपए की शमन शुल्क वसूल किया जा रहा है। और बस्तर कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि बेवजह घर से बाहर न निकलें, निकलें भी तो आज तक काम हो तो ही निकलें, मास्क अवश्य पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। बस्तर से संवाददाता बास्की ठाकुर की रिपोर्ट। गए हैं उनके लगातार उनमें सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है, वहीं पर कोरोना वॉरियर्स जो हमारे सैंपलिंग कर रहे हैं उनसे मुलाकात करने और इसकी प्रगति देखने एसपी साहब के साथ दौरा हो रहा है संयुक्त रूप से। और कोशिश हमारी यही है कि जल्दी सैंपलिंग पूर्ण करके जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको आइसोलेशन में रख के अब आगे बढ़ें। अन्य इसी प्रकार से लगातार जहाँ पर संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है वहाँ पर कंटेनमेंट जोन आगे घोषित किया जाएगा और जल्दी से जल्दी वहाँ पर सैंपलिंग करा करके उनको खोला जाएगा, जिससे व्यवसाय और आम जीवन भी प्रभावित ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोविड के केसेस को आइसोलेट कर पाए। क्या सर लोगों का समर्थन मिल रहा है? लोगों का निश्चित रूप से समर्थन मिल रहा है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। निश्चित रूप से कई जगहों पे कड़ाई करने की आवश्यकता दिख रही है जो कि हमारी मोबाइल टीम्स कर रही हैं। रोज़ लगभग 1,00,000 रुपए का चालान मास्क वगैरह जो नहीं पहन रहे हैं या सामाजिक दूरी नहीं पालन कर रहे हैं उसमें हो रहा है। व्यवसायियों का भी हमको समर्थन मिल रहा है, लोगों ने अपने दुकान के बाहर रस्सी बांध के या अलग अलग प्रकार के उपाय करके सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। निश्चित रूप से दिख रहा है जगदलपुर शहर में कि जागरूकता है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।